हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मनी प्लांट को आपने बहुत रूप से ग्रो होते हुए देखा होगा, लाइक वर्टिकली, बड़े कंटेनर में, छोटे कंटेनर में, बास्केट, हैंगिंग्स और कॉयर स्टिक में, ज़मीन में, हर जगह। उसी कड़ी में मैं एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, मनी प्लांट का स्पेयर। बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में और इसे मैंने बनाया है बहुत ही इजी मेथड से। इसको कैसे बनाना है ये आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को गाइस एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से आपको भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आएगा। बहुत इजी है प्रोसेस, चलिए शुरू करते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए मैं जो चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ, उसमें सबसे पहली चीज़ है फ्रूट, जिसमें हम फ्रूट लाते हैं मार्केट से, उसमें जो नेट आती है वो नेट, और उसके बाद जूड़ा पिन, इस टाइप की जो पिन्स होती हैं ये लेडीज़ के पास घर में अवेलेबल हो जाएगी, एक सीज़र और दो नारियल का कॉयर। ये नारियल घर में जो हम लाते हैं उसके ऊपर से निकाला हुआ छिलका है, ये दो नारियलों का है टोटल। और पॉटिंग मिक्स में मैं लेने वाली हूँ सिंपल गार्डन सॉइल, मतलब जो हमारे गार्डन में यूज होने वाली मिट्टी है, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट। मेरी जो सॉइल है उसमें सैंड ऑलरेडी ऐड है, तो आप अलग से ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए कुछ मनी प्लांट की स्टिक्स। ये जो मनी प्लांट की स्टिक्स आप देख रहे हैं ये मैंने अपने ही प्लांट के ऊपर से कट की हैं, और इन सभी के एंड में रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। आप बने बनाए पौधे को भी इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी डेवलप्ड रूट्स हो। कटिंग्स कितनी लेनी है ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, मैंने कुछ कटिंग्स ली हैं, आप ज़्यादा कम आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कितनी भी ले सकते हैं। इसके लिए कुछ ऐसा स्पेशल रेशो नहीं है। और एक बोरी का कपड़ा, जूट जिसे कहते हैं। अब इस प्रोसेस को शुरू कर रही हूँ मैं। सबसे पहले अपना सारा पॉटिंग मिक्स अच्छी तरीके से हमको मिलाना है। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाऊँगी। पानी इसलिए ऐड करना है बिकॉज इस पूरे मीडिया को मिलाकर मुझे एक बॉल जैसा, एक लड्डू जैसा बनाना है, तो उसके लिए जितना ज़रूरी होगा उतनी कंसिस्टेंसी में पानी में थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊँगी। आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए मेरे इंस्ट्रक्शन जैसा मैं कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाइए और अच्छी तरह से मिलाते हुए आपको खुद समझ में आने लगेगा कि बॉल बनाने लायक हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है या नहीं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके लड्डू बनाते जाइए और आपको जैसे जैसे लगता है वैसे और पानी ऐड करते जाइए। गाइज ये हो गया है। अब मैं बोरी का कपड़ा लेने वाली हूँ। बोरी के कपड़े को मैंने हल्का सा गीला कर लिया है। इसे अपने बॉल के ऊपर आप अच्छी तरह से बिछाइए और अब इसके ऊपर बिछाएंगे हम अपना कोकोनट का कॉयर, नारियल का छिलका। चारों तरफ से एक लेयर की तरह आपको इसको बिछाना है, इसके चारों तरफ। ये बहुत आसानी से ही घर में एक अवेलेबल कॉयर से मिल जाता है और आप इसे अगर आप आपस में खोल लें तो ये हल्का हल्का एक लेयर की तरह बन जाएगा। चारों तरफ से इसकी लेयर बनाने के बाद हमको इसके ऊपर नेट से कवर करना है। मैं कैसे कर रही हूँ आप देखते जाइए। अब नेट से कवर करने के बाद धीरे से अपने मिट्टी के बॉल को आपको इस तरह से उठाना है कि वो पूरा का पूरा बॉल हमारे इस जूट के कपड़े में आ जाए और इसका एक आपको राउंड बनाना है अंदाजे से। मैं पहले कुछ देर के लिए इस बोरी को बांधूंगी, ये बांधना टेम्प्ररी होगा, बाद में मैं इस रस्सी को कट कर दूंगी। ये बांधना ज़रूरी इसलिए है ताकि मैं अपना
पैर जो है मिट्टी का जो हमारा गोला है वो अच्छी तरीके से गोल कर सकूँ, उसका शेप में अच्छी तरीके से गोल दे सकूँ, इसलिए मुझे ये टेम्प्रेररी बांधना है। और इसी तरह हमको अपनी नेट भी बांधना है अच्छी तरीके से इसका सर्कल बनाने के लिए। हाथों से हल्के हल्के इसको प्रेस करके शेप दीजिए। अगेन मैं इस नेट को बांध रही हूँ, ये भी टेम्प्रेररी बांध रही हूँ मैं, बाद में इसे ओपन कर दूंगी, ये दोनों रस्सियाँ बाद में मुझे खोलनी है। अब एक्स्ट्रा नेट आप काट लीजिए, हमें इस एक्स्ट्रा नेट की ज़रूरत नहीं है। गाइस ये देखिए, अब हमारा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमारा बॉल रेडी है। मैंने बॉल को फिर से खोल लिया है। अब आपको एक तार का टुकड़ा लेना है, हाइट आप अपनी इच्छा से रेडी कर, आप अपने पसंद से लीजिए। तार की हाइट इतनी लीजिए कि आप जहाँ पे इसे लटकाना चाहते हैं वहाँ ये अच्छी तरीके से हाइट लें। और इसके नीचे मैंने एक लकड़ी का गोल सर्कल लगाया है, आप चाहें तो लकड़ी का टुकड़ा भी लगा सकते हैं। सुई में एक रस्सी पिरोइए, रस्सी प्लास्टिक की, सुतली कोई भी आप ले सकते हैं। अब इस सुई को हमें बोरी और नेट दोनों को साथ जोड़ते हुए सिलना है। ये एक कच्ची सिलाई है और इसे आपको चारों तरफ से करना है। ऐसा करते वक्त बोरी, नेट और उनके बीच में कॉयर, ये आपस में एक दूसरे से अच्छी तरीके से सिल जाएंगे। आपको इसे पूरे सर्कल में चारों तरफ से सिलना है। अब इसे अच्छी तरीके से खींच लीजिए। ये देखिए, ये आपको हेल्प करता है कि आपका जो सर्कल हम बना रहे हैं ये अच्छी तरीके से गोल रहे और हमारा जो जूट है वो आपस में अच्छी तरीके से राउंड शेप लेते हुए बंध जाए। अभी इसे पूरी तरह से हमको बांधना नहीं है, बीच में थोड़ा सा गड्ढा बनाइए और इसमें अपनी सारी की सारी मनी प्लांट के स्टेम्स को हम डालेंगे। मेरे मनी प्लांट की सभी स्टेम्स के एंड में रूट्स डेवलप हो गई हैं, सो मिट्टी में इन्हें हमें चारों तरफ से रखते जाना है। जो तार हमने इसे लटकाने में इस्तेमाल की है वो बीच में आना चाहिए और मनी प्लांट की सारी कटिंग चारों तरफ से होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मनी प्लांट की हर स्टेम मिट्टी के अंदर जाना ज़रूरी है, वरना वो बाद में डेड हो जाएगी अगर इसकी कोई भी स्टेम ऊपरी तरफ पर रह गई तो। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने स्टेम को अच्छी तरीके से मिट्टी के अंदर डालती जाइए चारों तरफ से, ताकि ये एक राउंड स्ट्रक्चर लेता जाए। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपकी स्टेम कितनी लेनी है ये आप अपने पसंद से डिसाइड कर सकते हैं, आप कम या ज़्यादा कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए ये हो गया, अच्छी तरीके से सारी स्टेम्स को मैंने मिट्टी में डाल दिया है और अब हमें धीरे से रस्सी खींचनी है। मैंने रस्सी इसीलिए बांधी थी क्योंकि ये प्रोसेस करते वक्त कहीं कोई भी स्टेम्स बाहर ना निकल जाए, वो अच्छी तरीके से मिट्टी में फिसफसी रहे और हमारा सर्कल भी अच्छी तरीके से बन जाए, इसीलिए मैंने इसमें रस्सी बांधी थी। अब आप इसे आराम से खींचकर राउंड शेप में देते हुए बांध सकते हैं, आपकी सभी स्टेम्स अंदर रहेंगी। आपको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी स्टेम बाहर की तरफ न आए, इसे अच्छे से टाइट बांध दीजिए। ये देखिए गाइस, इसकी कुछ स्टेम्स मेरी रह गई, मैं डाल रही हूँ इन्हें भी। अब इसे तार से पकड़ने पर ये एक बेहतरीन लटकन बन जाएगा। अपनी हाइट पर आप इसे अच्छी तरीके से कहीं पे लटका दीजिए, क्योंकि अब हमको आगे का प्रोसेस फॉलो करना है।
सो गाइज देखिए, मैंने इसे लटका दिया है और अब हम आगे ये प्रोसेस करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस बॉल के चारों तरफ इन जितने भी मनी प्लांट की स्टेम्स हैं इनको लपेटते जाऊंगी। लपेटते वक्त इनका रूट एरिया, मैं कोशिश करूंगी कि इसका रूट एरिया जो हमारा स्पेयर है उसको चिपक के मैं लगाऊं, और इसे चिपका कर लगाते वक्त मैं जूड़ा पिन का इस्तेमाल करूंगी ताकि ये स्टेम्स जो हैं अपनी जगह से हिले ना, और इसे टाइटली मैं बनाऊंगी। ये देखिए, यहाँ से जैसे ये स्टेम आ रही है, इसे चिपकाते हुए इसके रूट्स को स्पेयर के साइड लगाते हुए मैं बीच बीच में जूड़ा पिन लगाते जाऊंगी ताकि हमारी जो स्टेम्स हैं वो इसे चारों तरह से कवर कर दे, गोल गोल चारों तरफ से सभी स्टेम्स को इस पिन की मदद से। तो गाइस ये देखिए, मैंने इसे चारों तरफ से हैंग कर दिया है। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये अभी इतना खूबसूरत लग रहा है। जब ये एक बार डेवलप होने के बाद प्लांट अपने सेल्फ ली जब इसे ग्रो करना शुरू करेगा तब हमारा ये स्पेयर और भी खूबसूरत नज़र आएगा। आपको बीच बीच में जूड़ा पिन नज़र आ रही होंगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसे चारों तरफ से बांधने में इसका इस्तेमाल किया है। अब हमें इसे चारों तरफ से भिगाना है। भिगाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस मैं यूज़ करने वाली हूँ, एक आपको इसे तार से ही पकड़ना है और बाल्टी में पानी भरेंगे हम। ठीक है, देखिए मैंने बाल्टी में पानी भरा है और हमें अपने स्पेयर को पूरी तरह तली तक डुबाना नहीं है, इसे बाल्टी में भी बीच में ही लटकते रहने देना है। बिकॉज बेस में हमारी जो लीव्स हैं वो अगर एकदम नीचे तक हमने इसे रख दिया तो वो कट जाएंगी, वो टूट जाएंगी वो लीव्स। तो अब इसे इतना पानी से भर दीजिए कि हमारा ये पूरा बॉल बाल्टी में बीचों बीच पानी में लटकता रहे और काफ़ी सारा पानी ये सब कर ले। पहली बार में आपको इसे इस तरीके से पानी देना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरीके से भीग जाए। मनी प्लांट को ठंडक बहुत पसंद होती है तो अगर इसीलिए मैंने इसमें कोकोपीट मिलाया है। अच्छी तरह से भीग जाने के बाद ये जल्दी इसमें ग्रो करना शुरू कर देगा। ये देखिए, एक डेढ़ घंटे तक इसे इसमें रहने दूंगी, ये पूरा पानी सक कर लेगा और देन मैं इसको बाहर निकाल के लटका दूंगी। अब इसे रखते वक्त आप अपने घर के इंडोर भी इसे रख सकते हैं, आउटडोर भी इसे लटका सकते हैं। वैसे मनी प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। गाइज ये पूरे 15 से 20 दिनों के बाद का रिजल्ट है। अब मेरे स्पेयर में जो स्टेम्स हैं उन्होंने सेल्फली ग्रो होना शुरू कर दिया है। पुरानी काफ़ी सारी लीव्स इसमें से मुरझा गई थी जिन्हें मैंने कट कर दिया है। अभी भी आपको कुछ लीव्स नज़र आ रही होंगी बट अब धीरे धीरे सभी स्टेम्स ने ग्रो होना शुरू कर दिया है। अब अगेन मैं धीरे धीरे इसे इसके चारों तरफ लपेटते जाऊंगी ताकि ये और घना और बुशी होता जाए और कुछ स्टेम्स नीचे की तरफ लटकती रहेंगी तब भी ये काफ़ी खूबसूरत लगेगी। इस प्रोजेक्ट की सक्सेस इस पर डिपेंड करती थी कि मैं इसके अच्छी तरीके से डेवलप होने के बाद आपके सामने ये वीडियो लाऊं। इसीलिए मैंने इसे पूरे 15-20 दिनों के बनाने के 15 दिनों के बाद आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ। गाइस ये आप ज़रूर बनाइए और आपको ये वीडियो कैसा लगता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक